बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था जी? कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी, जनरली फिजिक्स को डिफाइन किया था और कोर्स कंटेंट्स को थोड़ा सा इधर कोर्स आउटलाइन को जो है तो एक नज़र देखा था। आज से हम क्या करते हैं जी, फॉर्मली अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते जी। चैप्टर नंबर 1 का आपका नेम क्या है जी? तो दैट इज व्हाट, दैट इज मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 is what, this is measurement। तो सबसे पहले जी हम define करेंगे कि what would be measurement। शुरू करने से पहले जी आपसे request होगी कि चैनल को subscribe करना ना भूले, ठीक है जी? हाँ, तो पिछले वीडियो में थोड़ी सी गपशप हमने और भी लगानी थी लेकिन फिर टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं हो सका। तो सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा ये कि आपने मुझे कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको किस टाइम चाहिए होती है जी। तो उमूमन मैं 5 बजे 6 बजे के करीब अपलोड कर देता हूँ और इसके अलावा आपको एक दिन वीडियो मिलेगी, फिर 2 दिन नहीं मिलेगी, फिर 1 दिन मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, फिर थोड़ा सा जब मैं वीडियो ज़्यादा बना लूँगा तो फिर हम इस गैप को ख़त्म करेंगे, 1 दिन वीडियो होगी 1 दिन नहीं होगी, ठीक है जी? तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जी। अच्छा, तो मेजरमेंट डिफाइन करते जी, मेजरमेंट को क्या होता है मेजरमेंट? आप नापतोल, नापतोल इज व्हाट, नापतोल इज मेजरमेंट। अगर आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिख ली हो तो लिख के जी द कंपैरिजन, मेजरमेंट इज व्हाट, इट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैं बाद में पी क्यू लिखूंगा। द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन, और इस नोन को मैं कहता हूं नोन या रेफरेंस, विद सम रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी, और उस रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड लेते हैं जी, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। सो द आर्ट ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। The comparison of an unknown physical quantity with a known physical quantity. इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि आपने एक रेफरेंस सेट किया हुआ है, आप किसी चीज के साथ किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस का होना जरूरी है जिसके साथ आप वो कंपेयर करेंगे, और उस रेफरेंस को क्या कहते हैं जी? उस रेफरेंस को स्टैंडर्ड कहते हैं, और वो स्टैंडर्ड हम कितना लेते हैं? 1 यूनिट लेते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है जी। यूनिट इज व्हाट, द स्टैंडर्ड विद विच दिस इज कंपेयर्ड इज कॉल्ड यूनिट। तो मैं इधर उसकी भी डेफिनेशन लिख लूंगा, या सबसे पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करूंगा, ठीक है? तो मेजरमेंट का आपकी थोड़ी बहुत समझ आ गई, यानी फॉर इंस्टेंस आपकी इतनी तो नॉलेज है। अगर मैं कहता हूं कि मेरी हाइट जो है वो 2 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस अपने हाइट को किसी रेफरेंस के साथ कंपेयर किया, और वो रेफरेंस क्या है? वो रेफरेंस 1 मीटर है, और वो 1 मीटर क्या है? तो वो कोई खास लेंथ है जी, ठीक है, जो कि हम डिफाइन करेंगे कि 1 लेंथ कितना, 1 मीटर कितना लेंथ है, सही है? तो मेरी हाइट 2 मीटर का मतलब है कि मेरी हाइट डबल है उसके मुकाबले में, समझ आई? समझ आई। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले आप डिफाइन करें जी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जी? तो अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, that can be observed and measured in some specific units, ठीक है जी? यानी कि length एक quantity है, मैं measure कर सकता हूँ ना कि एक distance कितना है, measure कर सकता हूँ, कितना time गुजर गया, मैं measure कर सकता हूँ, तो ये physical quantity है। Speed, गाड़ी की speed कितनी है, मैं measure कर सकता हूँ, तो क्या है जी? Physical quantity है, समझ आई? समझ आई। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वो खूबसूरत है, तो क्या खूबसूरती को मैं मेजर कर सकता हूं? कितना खूबसूरत है? चले आपका है बहुत खूबसूरत है, वो दूसरा कहेगा नहीं थोड़ा कम खूबसूरत है, लेकिन कितना, एक के लिए ज्यादा एक के लिए कम, कोई पर्टिकुलर यूनिट तो नहीं है ना? जिस तरह की स्पीड को मैं कहूंगा द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो ब्यूटी के लिए तो वो यूनिट नहीं है। अगर मैं कहता हूं मैं खुश हूं, तो मैं कितना खुश हूं? मैं थोड़ा खुश हूं। आप कहते हैं आप बहुत ज्यादा खुश हैं, तो थोड़ा ज्यादा कम और कम,
but not 50. Now we don't have a unit for that. तो इसका मतलब है beauty, गुस्सा, anger, etc. etc. The thing that cannot be measured in some particular proper set of units is not a physical quantity. Physical quantity is anything that can be observed and measured in the appropriate units. Measured in appropriate units का भी होना जरूरी है. यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट 50 लीटर है तो एक मिनट इसके ऊपर मैं आता हूं इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स. फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो इसको आप मेजर करते हैं इसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है. नंबर वन इज द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड आपको वो कंपैरिजन बताएगा कि कितना डिफरेंस है उसका और रेफरेंस का, और दूसरा इसका प्रॉपर यूनिट तो वो आपको क्या बताएगा, उसके नेचर के बारे में बताएगा. ठीक है जी. मैग्नीट्यूड आपका उसके एक्सटेंट, डिग्री ऑफ एक्सटेंट के बारे में बताएगा कि कितना है स्टैंडर्ड के मुकाबले में. यानी ये बटन बार बार खुला है, चले खुला रहने देते, कोई मसला नहीं. तो यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी हाइट कितनी है जी, मैं कहता हूं 2, तो वो 2 आपका कोई मतलब दे रहा है जी? नहीं दे रहा. इसका मतलब है कि ना दिस 2 इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. अगर फिर अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरी हाइट मीटर है तो दैट मीटर इज अगेन नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. और फिर अगर मैं आपको कहूं कि मेरी हाइट 2 kg है, so that is not a proper unit again, which makes it not a proper physical quantity of length again. तो इसका मतलब कि किसी भी physical quantity को define करने के लिए आपके पास उसका magnitude होना चाहिए और उसका proper unit होना चाहिए. तो अगर मैं कहूं कि मेरी height 2 meters है, तो अब वो 2 का मतलब है कि मेरी height double है to the standard और meter is the appropriate unit. समझ आई. तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड होगा और उसका प्रॉपर यूनिट होगा. ठीक है जी. अगेन फिर फिजिकल क्वांटिटीज को आप जो है तो क्लासिफाई करते हैं इनटू बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है जी. और बेस के जो यूनिट्स होंगे उसको बेस यूनिट्स कहेंगे, डिराइव के जो यूनिट्स होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे. यूनिट क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी आप लिख ले अगर पेपर में कभी आपसे पूछ ले कोई. सो द यूनिट इज व्हाट, दिस इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, द स्टैंडर्ड रेफरेंस विद विच फिजिकल क्वांटिटीज आर व्हाट आर कंपेयर्ड. समझ आई जी. तो अभी आप सो मैं डिफाइन करता हूं जी बेस फिजिकल क्वांटिटीज. तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन से हैं जी, क्या होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज जो सबसे सिंपल है जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो है द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और वो क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में आप और फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं जी. यानी कि अगर आप कोई बच्चा जो है पहले स्कूल में दाखिल होता है तो उसको डायरेक्टली एप्पल नहीं समझाया जाता, उसको पहले ABCD समझाया जाता है. सो दैट ABCD अप टू जेड इज व्हाट, दैट इज द बेस, वेयर एज द एप्पल इज द डिराइव्ड, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द बेस कंसिस्टिंग ऑफ ABPLNE. सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, of the of other base quantities. समझ आई. So base physical quantities are those quantities which are the minimum number of physical quantities in which, in terms of which, other physical quantities may be expressed. The minimum number of physical quantities in terms of which other physical quantities are expressed.
ये सबसे सिंपलर होते हैं, सबसे बेसिक होते हैं और सबसे जो है ज्यादा इस्तेमाल होने वाले भी होते हैं जी। समझ आई? तीन थे जी, तीन, लेंथ, मास, टाइम। ये तीन सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल है जी। लेकिन बाद में जो है तो थोड़े से मजीद इजाफे के साथ ये सात कर दिए गए हैं जी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और एक है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये सात जो है, दिस इज इन द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो है, जिसको आप फॉलो करते हैं जी, उसमें इन सात को बेस फिजिकल क्वांटिटी रखा गया है। क्यों? क्योंकि दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड, मोस्ट कॉमन, एंड इन टर्म्स ऑफ देम अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड। अब इनके जो यूनिट्स होंगे उनको बेस यूनिट्स कहते हैं जी। तो लेंथ का जो यूनिट है दैट इज व्हाट, दैट इज मीटर, और इसका जो सिंबल है वो एम है। मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और उसका यूनिट है केजी। टाइम का यूनिट है सेकेंड। एस इसका यूनिट है, टेम्परेचर का जो है आप केल्विन लेते हैं, उसका यूनिट के है। करंट का एम्पेयर है, और उसका सिंबल ए है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला यूनिट है, और उसका सिंबल सी डी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एम ओ एल ई मोल है, और इसका सिंबल स्मॉल एम ओ एल है जी। ये मैं डिफाइन करूंगा अगली वीडियो में या उसके बाद कि 1 मीटर क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, 1 सेकेंड क्या है। लेकिन अभी तक आप इतना जान लीजिए कि अगर हम किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, किसी लेंथ को मेजर करेंगे, तो इन द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स वो हम मीटर्स में यूनिट करेंगे। अगर किसी मास को हम यूनिट करेंगे, मेजर करेंगे, तो वो विद रेफरेंस ऑफ अ किलोग्राम मेजर करेंगे। और 1 किलोग्राम क्या होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। समझ आई? समझ आई? तो ये हो गई आपकी बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये भी आता है जी कि ये मास जो है तो ये भी अमाउंट ऑफ मैटर है, और ये जो मोल है ये भी अमाउंट ऑफ मैटर है, तो दोनों को जो है क्यों इसमें रखा गया है? तो दोनों को इसलिए रखा गया कि डिफरेंट डायमेंशन में जी, ये जो मास है तो ये बड़े लेवल पर है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है, और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल है ये स्मॉलर एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है जी। समझ आई? समझ आई? अब दूसरी जो आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं जी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दे आर द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज जिसको हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसको हम कहेंगे जी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इनके जो यूनिट होंगे जी, इनके जो यूनिट होंगे उनको हम कहेंगे जी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है जी। जैसे कि अभी मैं अगर कहता हूं एरिया, तो एरिया क्या होता है? दैट इज द लेंथ मल्टीप्लाई द ब्रेथ और द विड्थ ऑफ द हाइट और वट एवर, बट एक लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एक अनदर लेंथ। सो दिस इज व्हाट, एरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लेंथ मल्टीप्लाई अ लेंथ, व्हिच मीन अ बेस मल्टीप्लाई अ बेस, सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट होगा तो दैट इज मीटर, एक लेंथ का मीटर दूसरे लेंथ का, तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली द वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी इज द लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट, तीनों क्या है, डिस्टेंस है, बेस क्वांटिटी है, तीनों का डिस्टेंस
का यूनिट मीटर है, इसका मतलब वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होगा, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट होगा। फोर्स, फोर्स क्या होता है जी, एम टाइम्स ए होता है। तो एम का यूनिट क्या है जी, एम का यूनिट किलोग्राम है, और ए क्या होता है, इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है जी मीटर पर सेकेंड, और फिर पर यूनिट टाइम, तो दिस वुड बी पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके लिए मुझे पहले वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहिए था। वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज द चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय द चेंज ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, मीटर हुआ, और टाइम का यूनिट क्या हुआ, सेकंड हुआ। तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का एक डिराइव यूनिट बन गया जी। समझ आई कि नहीं आई, तो ये देखें, ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है इसको हम किस चीज में डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स, वही मीटर है, वही सेकंड है, वही किलोग्राम है। समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई जी, और कोई बात तो इसमें मुझसे रह नहीं गई, जो बात मुझसे रह जाती है तो वो मैं अगली वीडियो में फिर आपको बता देता हूँ जी। और फिर अगर आपको अब फिर भी मसला हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप पूछे चार्ज के बारे में, तो चार्ज किधर से आएगा जी, तो आपको पता होता है कि करंट क्या होता है, आई, आई इज द करंट विच इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि चार्ज जो है दैट इज द करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, करंट का यूनिट क्या होगा जी, करंट का यूनिट होगा एम्पेयर्स, और टाइम का यूनिट क्या होता है जी, सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड को आप कूलम भी लिखते हैं, इस तरह कुछ यूनिट्स को आप स्टैंडर्डाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट्स जिन्होंने इनके ऊपर काम किया होता है जी। सिमिलरली फोर्स का जो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसको आप न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं जी, करते हैं कि नहीं करते, और इस तरह मजीद आप जितने चाहे तो अपने लिए कर सकते हैं। अच्छा, बस ये बात थी जी, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेस के जो यूनिट्स होंगे उनको आप बेस यूनिट्स कहते हैं, डिराइव्ड के जो यूनिट्स होंगे आप उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। यूनिट क्या होता है, द स्टैंडर्ड विद विच द फिजिकल क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड। अब इस यूनिट के लिए भी आपके पास कोई प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यूनिट आपने वो रेफरेंस आपने किस चीज को कंसिडर करना है, वो रेफरेंस आपने किस चीज को कंसीडर करना है, तो एन आइडियल स्टैंडर्ड मस्ट बी या रेफरेंस या स्टैंडर्ड या यूनिट। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए ना जिसको आपने कंसीडर करना है। तो पहला स्टैंडर्ड आपके पास ये होना चाहिए कि इट मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल, यानी कि पूरी दुनिया में, ये रूल्स तो है पूरी दुनिया के लिए, तो पूरी दुनिया में वो चीज होनी चाहिए। अभी अगर मैं कह रहा हूं कि लेंथ के लिए यूनिट जो है एक यार्ड होना चाहिए, यानी कि मेरा एक आर्म लेंथ होना चाहिए, तो मेरा आर्म लेंथ का एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, लंबे आदमी का मुझसे बड़ा आर्म लेंथ होगा, तो इसका मतलब वो तो स्टैंडर्ड डिफरेंट हो गया ना जी, ठीक है जी, तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, यानी ये तो एक्सेसिबल की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन चले, मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल एंड मस्ट बी इनवेरिएबल। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, तो ये आपको इनवेरिएबल में आती है जी, यानी कि वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में एक ही जैसा होना चाहिए। और सिमिलरली आप इसको रिप्रोड्यूसिबल भी लिख सकते हैं कि आप इसको बार बार बना भी सके आसानी से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि कोई स्टैंडर्ड होनी चाहिए, कोई खास, यानी हार्ड एंड फास्ट कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप उस फॉर्मूले में वो चीजें पुट करें और उससे जो आपके पास आए। समझ आई? समझ आई? तो ये हो गई जी आपका इंट्रोडक्शन। अब आप समझ रहे होंगे कि एक बेस होता है, एक डिराइव होता है, बल्कि तो इस तरह नहीं होता, इसके अलावा एक और यूनिट्स भी है जिनको हम कहते हैं जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और वो हम जी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जी जो कि होते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के, और अभी अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो वो थोड़ा सा टाइम लंबा ले लेगा जी, तो उसको चले डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।